के समय में हर इंसान की ये चाहत होती है कि उसे सरकारी नौकरी अवश्य मिले। साथ ही हर व्यक्ति सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करता है। वहीं 34 के अनुसार जिस इंसान के हाथ में रेखा होती है उसे सरकारी नौकरी अवश्य मिलती है। आइए जानते हैं उन लकीरों के बारे में। आपको बता दें कि जिन लोगों की हथेली में सूर्य पर्वत यानी रिंग फिंगर के ठीक नीचे हो और इस पर्वत पर एक सीधी रेखा बिना किसी रुकावट के खींची हुई हो, ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलने की अधिक संभावना बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि जिसके हाथ में रेखा होती है उसे सरकारी नौकरी का लाभ अवश्य मिलता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की हथेली में गुरु पर्वत यानी इंडेक्स फिंगर के नीचे होता है और सूर्य पर्वत से चलकर कोई रेखा सीधी लाइन में आ रही होती है तो ये एक अच्छी नौकरी मिलने का शुभ संकेत माना जाता है। जिन लोगों की हथेली में गुरु पर्वत उठा हुआ हो और उस पर बहुत सी सीधी रेखाएं बनी हो तो ऐसे लोगों को भी सरकारी नौकरी मिलने का योग बनता है। इसके अलावा जिन लोगों की हथेली में भाग्य रेखा से कोई रेखा निकल कर गुरु पर्वत की ओर जाती है वे बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी में ऊंचा पद हासिल होता है, साथ ही मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। वही अगर किसी व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा से निकल कर कोई शाखा सूर्य पर्वत की ओर जाती है तो इस रेखा को बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे लोगों को सरकारी क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होती है। नेशनल स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।